अल्लाह को राजी करने के लिए आप
से नफ्स और शैतान और दुश्मनाने बीवी के साथ जिहाद करती है, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया आखिर से सादत जिलाना पहुँचाने की तो भी अदा करवा देते हैं। सूरत और रूम इसलिए रूम होती है कि सात आयात अच्छे होती है। पुराने मजीद की रूम में एजाज देते हैं वजह उसकी पेशन योजना भी है। सूरत के शुरू में एक पेशन रूम की फिक्र है जो बाद में हर तरफ से अच्छी साबित हुई। ये पेशन जो रोगियों के खाने खाने के बारे में थी, इस पेशन रूम को पूरा हो जाना इंतहाई गैर मामूली और गैर आदमी वाक्य था, क्योंकि जिस वक्त कुरान ने यह खबर दी थी उस वक्त ईरानी रोगियों पर पूरी तरह छाई हुई थी और उस वक्त रोगी सरकार जिंदगी और मौत की तरफ होना को मुकरा थी। सरहदी हालात के अलावा अंदरूनी हालात की तैयारी कम करके पूरे यूरोप के सदर मचा हुआ था। रोगियों का बांसा हलकल सवाल तीन फांसियों के सामने बेबस होकर हर जिंदर और पसफाई से समझौता का होता था, क्योंकि ईरानी मुशरक और आती पर जबकि रोगी खुदा पर लेकिन और सल्तनत ईरान के कल के रूम गंदा नशा कर दिया। मजबूत पेशन गोई के अलावा कई मजामीन रूसियों रूप से बयान हुए हैं। उनमें सबसे पहला सूरह नूह उस मार्की की हकीकत बताती है उसको रहमान रहमान की दुआ और इसकी शैतान शैतान की दुआ के दरमियान कभी जमाने के जारी है। कुफर और ईमान और आपको बातों के दरमियान की वार्ता उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के फैसले का दिन नहीं आ जाता। अल्लाह जिंदा और होता एक दूसरे की जिद है, लेकिन वो भी पूरे से कामला के दूसरे से जिंदा इंसान अंधे से बच्चा ईद की तरफ और इसके बाद अब की पैदा कर है। उसने इंसान को बेजान मिट्टी से पैदा किया। इंसान को मुराद दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो मसीह से पैदा किए गए थे। हर इंसान के लिए उसकी मजाजी और जिस्मानी जरूरियात मसीह से पैदा होती है। दुनिया चीज के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है जो महसूस होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर बैठता है। हालांकि बाद में शादी से पहले उनका आपस में कोई तारों की नहीं होता। उसने अब समाज को और लोगों के अंदर पैदा किया और इंसानों की जबानी और रंग मुख्तलिफ बनाए। किसी की जबान आई किसी की फारसी बीवी बरेली कुछ फारसी बोलता है वो उर्दू की जबानी किसी का काला और किसी का सफर है वो रात और दिन के बीच आसमान पर बिजली चौकी है जिससे दिल को खोफ भी पैदा होता है और वो बीज भी फिर बारिश बरसती है तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। हर जो समाज का मुस्तकबिल नजर के नाम मुझे बारिश आला की जिंदा नहीं है। आसमान की तरह किसी सुकून के बगैर पड़ी है और उसकी मीनार के सितारे हो रहे हैं मगर न खराब है न को पूरी जमीन मुसलसल हरकत कर रही है मगर इसके सीने पर बसने वालों को उसका एहसास तक नहीं होगा। ये सूरत बताती है कि हर जमाने में अल्लाह का ये दस्तूर रहा है कि वह हक को बातिल पर गलबा अदा करता है। अगर मेरी यानी हक मौलूम है तो उन्हें अपना मुरासबा करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बातिल के दो गलती अपना लिए हो और बातिल परस्तों ने आपके बाद दस्तूर इख्तियार कर लिया हो। इस सूरत में मुतासिर ऐसे तरीके दलाइल और मुशाहदे मजबूर है जो अल्लाह की असर और कुदरत की गवाही देती है। सूरत के इख्तिताम पर उस उपाय मक्का का जिक्र है जो मुर्गों की तरह थी ना तो आयात इलाही को सुनते थे ना देखती थी ना ही उनसे गौरव फिकर करती थी और ना ही कबूल करती थी। इसका उन्हें हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान के हर तरह की मिसाल बयान कर दी और अगर तुम उनके सामने वो निशानी दे करो तो वो काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो।
सूरह लुकमान, सूरह लुकमान बकी है उसके 34 आयत और 4 वचन। इसमें भी इल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदाई की मौजा यानी कुरान की अल्फाज के ज्ञान से ही क्योंकि हिदायत का रूहानी दस्तूर है। इसके बारे में इंसान दो फिरकों में तकसीम हो गए, एक वही मोमिनी का जो उसे सरीका हिदायत की हर बात की तस्दीक करते हैं, दूसरा वही काफिरों का जो इसकी आयत सुनकर सुनकर बिना पर का सबको मुंह मोड़ लेती है, दो या उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और मकानियत की चार दलाइल जिक्र फरमाए हैं। पहली जरिए उसने आसमानों को बगैर किसी सुकून के पैदा किया, हालांकि उनके रोशन सितारे भी हैं, शम्स और कमर भी हैं, सियाही और कैफिसाई भी हैं, और सियाह की दुनिया इतनी वसी है कि ये जमीन जिस पर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उसकी हैसियत उसके मुकाबले में वही है जो एक जर्रे की पूरी कायनात के मुकाबले में हैसियत है। दूसरी नदी वो पहाड़ है जिन्हें जमीन का तवादर बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने पहाड़ रखता है, अगर पहाड़ न होते तो इसकी जमीन हवा और पानी की वजह से इधर उधर असर करती रहती। इसी जैसे बेशुमार किस्म के हैवानात जमीन चौपाए और अशराफ है, उनके अलावा फिजाओं और समुद्रों में रहने वाले हजारों किस्म के जानदार हैं जिनकी शक्लें रंगदें और खुशियात का कल्याण सेवा किसी को मालूम थी। इंसान के बीच ये हाल है कि वो मक्की और दूसरी तक इंतकाल नहीं करा सकता कि जाएंगे साइंस कहाँ गुजरता बोलता चलता इंसान करा सके, क्योंकि जैसे कि वो आसमान से बारिश बरसाता है जिसके जरिए आदमी तक की जल्दी चीजें उगाता है, आसमान से बारिश का बरसना कभी भी नजायज देते एक बड़ा वजूबा और दराय कुदरत के लिए एक बड़ी दलील है, मगर इंसान इस पर गौर फिक्र नहीं करता। वो पानी जिसे समुद्र दरिया और नहरें पड़ी हुई है जिनका आसमान इससे बरसता है, फिर इस पानी के जो फल फूल अल्लाहदार जमीन और दर कुत्तियों की नसीब बयान करने के लिए हजारों समाज के काम होंगे। इसके अलावा पूरे लुकमान की जो मजामी है उनमें सबसे पहला अगर लुकमान जो कि नबी खुदा थे लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तो जाहिर से नवाजा था, उनकी अकवातों की अकवाल इबरत और रसियत का खजाना होती थी, उनका कलाम जो निशानी उनकी खामोशी तवक्कुल और उनके इशारात मुआयदत होते थे, अलग अलग की वो पांच रस्ते से जिक्र फरमाई जो उन्होंने अपने बेटे को की, जो बड़ी ऊंची और जाके रस्ते थी जो अकीदा इबादत सुलूक और अखलाक से ताल्लुक रखती है। पहली रस्ती है बेटा अल्लाह के साथ शरीक न करना, बहुत बड़ा गुलत है और उसका नाम तबादल है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के साथ उसके शुरू का हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ आखिरत के बारे में है जिसका खुलासा यह है कि अल्लाह के इल्म से कोई चीज लौटती नहीं, गुनाह छोटा नहीं दिया हो और कैसी को इतना जगह पर दूरा दिया गया हो अल्लाह उसे क्यामत दिन ले आए। तीसरी वसीयत अल्लाह की तरफ तवज्जो के बारे में है, अल्लाह की तरफ तवज्जो के एक टूटे बयान फरमाई यानी नमाज को काबिल तरीके से अदा करो, लोगों को हदायत की दावत दो, कुरान शरीफ से मना करो और मसाइल को इस्लाम पर सब्र करो। चौथी वसीयत ने अपने बेटे को तवज्जो कहाँ से मना करवाया, तवज्जो कहाँ से मना करवाया। पांचवी वसीयत के बेटे को अखलाके करीमा की तरफ बदलने दिया यानी चाल में दरमियाना रवी तैयार करो और बोलती हो अपनी आवाज लिखी रखो। मुश्किन की तरकीब है अगली बात, मुश्किन की तरकीब है कि मुश्किन के दराय का मुशाहरा करने के बावजूद शिर्क पर इकरार करते हैं, हालांकि अगर खुद उनसे सवाल किया जाए कि आसमानों और जमीनों को किसने पैदा किया तो वो भी अल्लाह के खालिक होने का इकरार करते हैं। सूरत के किताब पर बताया गया कि पांच चीजों का इलम से अल्लाह के पास क्यामत कब आएगी, बारिश कहाँ और कैफियत कितनी बरसेगी, कितने मात्रा में बच्चा के औसाफ का हामिल है, इंसान कल क्या करेगा और मौत का और उसकी इंतजार है। इन पांच चीजों में जब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, इन पांच पूरी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैन की चाबी करार दी है। सूरह सजदा सूरह सजदा वकी है जिसकी आयात और उसकी वजह इस सूरह को जो है मजामी है और कहते हैं कि बात सूरह की इंतजार है कुरान की अकानियत का बयान है, जिसका एजाज वादे है उसकी सदाकत के दराय रोशन है, उसका अंदाज बयान इंसानी कलाम से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद कुफारे मक्का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाते थे कि आप के खिलाफ खुद गाएंगे। इस सूरत अल्लाह की वादानियत और सुकूनत के दराय बयान करती है,
यानी आसमान और जमीन को उसने पैदा किया, आसमान की तदबीर वो ही करता है, पानी के हकीम कर रहे हैं वो करता है। उसे कहते मट्टी से पानी, दूसरे से नौकरा, नौकरे से मोती और मोती से हकीकत के बनाए गए किए, फिर कहते क्योंकि आई को कशिश सुबह मुतनाशिब का लोग पावर वाला स्थान बन गया। अगली बात ये सूरज मुजरिमों और मोमिनों दोनों पहाड़ पर जाती है तो मुजरिम क्यामत की एक सर दुबारे खड़े होंगे, ऊपर जिद्दत छाई होगी, वो आरजू करेंगे कि काश हमें दुनिया में लुकात किया जाए, तो हम एक आवाज करें। दूसरे मोमिनों के बारे में बताया गया तो दुनिया में अल्लाह के सामने झुके रहते हैं, रातों को उनके पहलू इज्जत से जुड़ा रहते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के क्योंकि अफवाल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उनके बारे में फरमाया गया कोई मुतरफ़ नहीं जानता कि उनके लिए आखिर के आंखों की कैसी झटक छुपा रखती है। ये उन आमाल का सिला है जो वो करते थे, उन्होंने रिया और दिखावे के बगैर हुआ। जब उम्मीद के साथ 15 हजार जंतुओं ने
मदीने का मुहासरा कर दिया। ये दोनों मुस्लिम कवायद के ताल्लुक रखते थे। यहूद बनु नजीर और बनु कुरैज़ा जिनके साथ मुसलमानों का सुलह था और एक दूसरे के दुश्मन के साथ आवर न करने का वायदा था, उन्होंने एक वायदे की सूरत खुला खिलाफवर्जी की और मुसलमान के साथ तावुन किया। मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। अगर ये सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला की राय पर अमल करते हुए मदीने की शुमार न होते, जहाँ से दुश्मन के हमले आवर होने का खतरा था, तब तक फौज दी थी। इसलिए इसे रब्बे अंदर भी कहा जाता है और आजाद ये कहते हैं कि जिस लश्कर ने मदीने पर चढ़ाई की थी उसको मुख्तलिफ जमातें और कवायद करी थी। इन जंगों ने तकरीबन एक बार मदीने का मुहासरा किए रखा। फिर नहीं के मजबूत और तानी की कोशिशों से यहूद और कुरैशी और मौतानी लश्कर के दरमियान फूट पड़ गई। अल्लाह की तरफ से उन्हीं दोनों उन्हीं दिनों तूफानी आंधी आ गई, जिसकी वजह से उनके सैनिक उतर गए, जानवर बिलर गए और उनके आजाए पास हो गए। फिर कुरैश और मौतान और दूसरे कबाइल अपने मजमूम मकासद की तकमील के बगैर राय फरार अख्तियार कर गए। अब उन सुफियान और उनके हमायतों के चले जाने के बाद मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया और उन्हें उनकी आज जीतने की दर्दनाक सजा दी। अल्लाह ताला ने मौजूदा आयात में दोनों मजमूआत का हाल और मंजर बयान किया और मुसलमानों को बिशारत दिलाई कि अनकरीब उन्हें मजीद फतूहात हासिल होगी। चुनाचे मुसलमानों ने ना सिर्फ फारस और रूम बल्कि तीसियों मुल्क और सैकड़ों शहर पता किए और इंशाअल्लाह कुरान के साथ ताल्लुक और मजबूत और दिल के दीवान रास्ते को जाने के बाद पूरे आलम को पता करेंगे। यूँ रब्बुल आलमीन की बेशर्मी पूरी होकर रहेगी। मैंने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा है कि दीन इस्लाम को तमाम अज्ञान पर गालिब कर दूँ। والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فكيف يجعل يأتي پیغمبر کو حق دے کر بھیجا تاکہ تمام اجنان پر اسلام کو غالب کر دو۔ یہ اللہ کی دین ہے اور کسی طاہر ایمان کو اس کے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مخالف ہیں لیکن اجابت اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا، حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دیں گے۔ اس کے شک نہیں موجودہ دور کے مسلمان ایمان اعمال اخلاق معاملات اور کردار کے اعتبار سے فات عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم ان کے اندر عالم کو اور باطنی عالم کو پتہ کرنے کی پوری پوری صلاحیت ہے اور دونوں مقام کے مالک کی قسم دنیا کے نظارہ بہت جلد دیکھے گی۔